नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है फरवरी की 7 तारीख और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ अभी कुछ देर पहले तक काफ़ी तेज़ धूप निकल रही थी और एकदम से ही हमारे यहाँ जो है काली घटा छा गई है। हवाएं काफ़ी ठंडी चल रही हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे, आपको दिखाएंगे कि उसमें कौन कौन सी सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे किचन गार्डन में जो भी सब्जियां रेडी हो रही होंगी तो उनको भी आज हम आपके साथ हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों, चलते हैं फिर देखते हैं किचन गार्डन में क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम हमारे किचन गार्डन में लगी हुई सिंगरी के पौधों के साथ में। और ये सिंगरी हमने सीड से लगाई थी और अब तो इनमें काफ़ी ज़्यादा सिंगरी आ रही हैं। आप देखें, पूरे ही पौधे जो है सिंगरी से भरे हुए हैं और सिंगरी की सब्जी जो है आलू के साथ बनाई जाती है हमारे यहाँ। तो इनको सिंगरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमने ये ना मूली समझ के लगाए थे, हमने सोचा था कि ये मूली है, मतलब मूली के सीड हैं, क्योंकि मूली के और सिंगरी के सीड एक जैसे होते हैं तो इसलिए। और ये मूली तो नहीं बनी लेकिन इनमें ये सिंगरी अच्छे से लग गई हैं और पूरे ही प्लांट है ना, जितने भी प्लांट लगे हुए हैं सभी सिंगरी से भरे हुए हैं। यहाँ भी ये पूरे ही पौधे सिंगरी से भरे हुए हैं और इनको तो हम हर तीसरे दिन है ना हार्वेस्ट करते रहते हैं। अगर ना करें तो ये पक जाती हैं सिंगरी और फिर इनमें सीड तैयार हो जाता है जो मतलब हमारे किसी काम नहीं आती हैं ये सिंगरी। और दोस्तों, ये लगे हुए हैं हमारे टमाटर। तो टमाटर को अभी है ना 2-3 दिन पहले भी हमने हार्वेस्ट किया था और अब ये दोबारा से रेडी हो गए हैं। और ये सभी टमाटर के पौधे हमने जो है सीड से लगाए थे और बिल्कुल रेड हो गए हैं। और दूसरी जगह भी टमाटर और लगे हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और दोस्तों, ये लग रही है हमारी मेथी और बहुत बढ़िया तरह से चल रही है। आज हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसको हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो जो है पौधे में तो फूल आने शुरू हुई हो गए हैं लेकिन आज हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। और मेथी, पालक और धनिया का तो क्या होता है कि हम जितनी ज़्यादा हार्वेस्ट करते हैं उतने ही ज़्यादा इनमें जो है दोबारा से रीग्रोथ होते हैं। और इसमें ये पालक भी लगा हुआ है तो पालक को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये पालक मेथी है जो दोनों एक ही जैसे होते हैं, मतलब इनकी आप एक साथ परांठे बना सकते हैं या एक साथ आप इनकी सब्जी बना सकते हैं। और मेथी तो बहुत बढ़िया हो रही है हमारी, मेथी को कई बार हार्वेस्ट कर लिया है और ये हमारी है ना सेलो पॉट में लगी हुई है और भी एक जगह और लगी हुई है मेथी। तो क्या होता है कि एक बार हम यहाँ से हार्वेस्ट कर लेते हैं और एक बार जहाँ दूसरी जगह लग रही है तो वहाँ से हार्वेस्ट कर लेते हैं। और आप देखना अब ये ना 8 से 10 दिन में ही दोबारा से इस तरह से ही ये सेलो जो है पॉट भर जाएगा। और ये सेलो पॉट तो है ना टूट भी रहा है और हमने इसमें ही थोड़ी सी सॉइल डाल के और लगा दिए थे सीड। और दोस्तों, ये लग रही है हमारी ब्रोकली जिसमें कि अब फूल बनने शुरू हो गए हैं सभी की सभी ब्रोकली में। और ये हमने सीड से लगाई है, सेलो पॉट में लगा रखी हैं, एक एक सेलो पॉट में 2-2, 3-3 प्लांट हमने लगा रखे हैं।
ये है हमारी बंद गोभी, जिनमें अब बंद गोभी बननी शुरू हुई है, क्योंकि हमने है ना ये थोड़ा सा लेट लगाई थी और काफ़ी अच्छे से सभी हमारी बंद गोभी के पौधे चल रहे हैं। और ये है हमारे टमाटर जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए थे, और हमने जहां ग्रो हुए थे वहां से निकाल के ये अलग अलग करके लगा दिए हैं। ये हमारे बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं काफ़ी बढ़िया तरह से, जो है बैंगन के कई प्लांट तो चल रहे हैं, लेकिन कई पौधे ज़्यादा ठंड के कारण थोड़ी सी उनकी हालत ख़राब हो रही है, पत्तियाँ उनकी थोड़ी जल रही हैं। और दोस्तों ये है हमारी हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची के पौधे भी है ना ठंड के कारण बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं, जले जले से, लेकिन कोई बात नहीं, अब फरवरी का जो है टाइम आ गया है और मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो कुछ दिनों के बाद इनमें भी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो अब इनमें जैसे खोदी वगैरह करके और फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इनकी भी हालत अच्छी हो जाएगी। और ये हमने ग्रो बैग जो है बिल्कुल साफ़ करके और इनमें सीड डाल दिए हैं, इनमें हमने चप्पल कद्दू के सीड डाले हैं, क्योंकि इनमें पहले जो हमने लगाए थे वो ख़त्म हो गई सब्जियां, और उसके बाद हमने इनमें चप्पल कद्दू के सीड लगा दिए हैं। अभी वो ग्रो तो नहीं हुए हैं क्योंकि एक दो दिन ही हुए हैं, मतलब दो दिन पहले ही हमने वो सीड लगाए थे। ये लग रही है हमारी गाजर, तो गाजर हमने गाजर से ज़्यादा इनके पत्तों के लिए लगाई थी, क्योंकि इनकी पत्तों की कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है और हम तो हमेशा यहाँ से तोड़ के लेके जाते रहते हैं जब भी कढ़ी बनानी होती है। वैसे गाजर भी अभी बननी शुरू हो गई है, छोटी छोटी बन रही है, और हमने ना ये पत्तों के लिए लगाई थी तो इसलिए हमने इनको ज़्यादा दूर दूर नहीं लगाया। वैसे गाजर बन रही हैं, ये आपको दिखा दें, छोटी हैं अभी, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, जो थोड़ी दूर दूर हैं वो तो थोड़ी बड़ी हो रही हैं, वरना छोटी छोटी ही गाजर अभी बन रही हैं। और इसमें भी गाजर बन रही हैं, लेकिन हमें तो पत्ते चाहिए, इसलिए हमें गाजर से कोई मतलब इतना मतलब नहीं है कि गाजर बने या ना बने, तो पत्ते की ज़रूरत होती है। तो पत्ते हमने पता नहीं कितनी बार यहाँ से तोड़ लिए हैं। और दोस्तों ये भी टमाटर के प्लांट हैं जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं और अब इनमें फ्लावर आने शुरू हुए हैं। सेल्फ सीडलिंग से मतलब जैसे फूलों के गमलों में ये उग गए थे तो वहाँ से हमने निकाल के और यहाँ लगा दिए, और अब इनमें फूल आने शुरू हुए हैं। आपको दिखाएं, ये वाले बहुत बढ़िया फूल आ रहे हैं, और जो हमने पहले लगाए थे उनमें तो टमाटर आ रहे हैं, और टमाटर को कई बार हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है। और दोस्तों ये है आज की हमारी हार्वेस्ट, ये कुछ टमाटर हमने तोड़े हैं, और ये है सींगरी, तो सींगरी तो अभी हम दो दिन पहले भी तोड़ के लेके गए थे इतनी ही, और इसके बाद ये है हमारी मेथी, पूरी टोकरी भर गई है मेथी की तो, और बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रो हो रही है हमारी मेथी। तो दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन और हमारी हार्वेस्टिंग कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको दिखाएं ये कितने सुंदर सुंदर फ्लावर सीड से लगाए हुए बहुत ही बढ़िया तरह से खिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्ते जी, धन्यवाद।